दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खान। अभी मैं विक्रमगंज में हूं और विक्रमगंज में पूर्व विधायक राजेश्वर राज जी हैं। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि 2024 में एनडीए और इंडिया की सीधी टक्कर होगी और इतने दल मिलकर इंडिया का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा लोग नहीं दे पाए हैं। उन्हीं से जानना चाहते हैं क्या रहेगा 2024। सबसे पहले नमस्कार, और आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से मेरा आग्रह भी होगा, मैं उनसे अपेक्षा भी रखूंगा कि अभी हम देश के, कल हम लोगों ने दुनिया के शिल्पकार विश्वकर्मा जी का जन्मोत्सव मनाया, साथ ही साथ देश इस भारत के, आधुनिक भारत के शिल्पकार नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन 17 से 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सब लोग शुभकामना दें कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो आज पूरा भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, माँ भारती विश्व की कुर्सी पर आसन होते नजर आ रही हैं, आरूढ़ होते नजर आ रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यशस्वी हों, सताई हों, दीर्घायु हों, तो शक्ति मिले कि इनके नेतृत्व में माँ भारती विश्व की कुर्सी पर आरूढ़ हो। साथ ही साथ मैं आगे कुछ कहूँ, इस सेवा पखवाड़ा के दरमियान आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से और अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव के अवसर पे जो हम सेवा कार्य करने का हमने संकल्प लिया है, उसके साथ केंद्र सरकार ने आग्रह किया है कि जो आज सबसे आयुष्मान योजना जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है, जो लोग हमारे समाज का जो वर्ग अभी भी इस योजना से वंचित है, आप सब लोग ऑनलाइन आयुष्मान योजना कराकर और वैसे वंचित लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने में अपनी मदद करें। मेरा ऐसा आग्रह है जो यह समाज के हर उस वर्ग के लिए सबसे बड़ा जनकल्याणकारी होगा, जो वर्ग या जो व्यक्ति अपना इलाज कराने में असहज है, सक्षम नहीं है, उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ दिलाकर हम यश के भागी बने। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि जरूर इस काम को करें। दूसरा, भाई साहब आपने अपने चैनल के माध्यम से सवाल किया कि 24 में क्या होने वाला है, तो जिस तरीके से I.N.D.I.A का जो नापाक इन घमंडिया गठबंधन जो बना है, नापाक इरादे से जो आज तक ना अपने संयोजक तय कर पाए, ना जो आज उनके दल में कई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आपने देखा कि जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिन्होंने इसका पहल किया, उनका अपना दल ही बिहार में नहीं संभाल पा रहा है, आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जब I.N.D.I.A. ने आपके मीडिया के ही कई पत्रकारों पर बैल लगाने का काम किया, इसी बिहार में जब माननीय मुख्यमंत्री जी से आप ही की मीडिया के लोगों ने सवाल किया आपका इस पर क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है। मतलब आज जिन्होंने इसकी अगुवाई की, आज उनकी ये हालात है कि अगर इतने अहम निर्णय लिए जाते तो लोकतंत्र का जो सबसे स्तंभ है हमारा मीडिया, जिस मीडिया पर बैन लगाया जा रहा है, ये लोग इतना हताशा हैं स्थिति में है, और उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पता नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम इसका खिलाफत करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है। तो इससे ही स्पष्ट हो जाता है जो आपके प्रश्न का जवाब, कि उस गठबंधन लोगों ने पाक बनाया है, जो घमंडिया गठबंधन है, वो इतनी हताशा में है, इतनी लाचारी में है कि जब मीडिया देश के 135 करोड़ लोगों की आवाज़ परोसने का काम कर रही है, जो देश के 135 करोड़ लोगों ने मन बना लिया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ, आज जो भारत आगे की ओर बढ़ रहा है, G20 का अध्यक्षता कर जो भारत के पहल पर आज G21 होने का काम हुआ, सब भारत के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज भारत जिस तरीके से पूरे विश्व के प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हो रहा है,
जो भारत पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का थीम देने का काम कर रहा है, जो भारत ग्लोबल वार्मिंग पर पूरे दुनिया को एक साथ लेकर चलने की आज पहल कर रहा है, उसके तहत भारत के लोगों ने, पूरी 135 करोड़ लोगों ने जब मन बना लिया है कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपनी ताकत पर लोगों के आशीर्वाद से 300 बहुमत लाने वाली सीट पार करेगी, जब वही एनडीए गठबंधन 400 पार जाने वाला है, तो आज जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, I.N.D.I.A. जो पखंडी लोग हैं उनका सफाया तय है, यह हताशा कहीं पर शायक है कि आज अपने पत्रकार बंधुओं पर लोकतंत्र के स्तंभ को बैल लगाने की बात कर रहे हैं। एक सवाल है कि 2019 से ज्यादा सीटें पूरे भारत के अंदर एनडीए को आएगी? बिल्कुल, आज कोई देश में विपक्ष है ही नहीं, आज भारत, जिसको भारत पर सबसे बड़ी बात है कि आज का हमारा भारत नहीं है, भारत अजन्मा है। आप पूरी दुनिया को देखेंगे तो किन राष्ट्रों का, पाकिस्तान का जन्म कब हुआ, रसिया का जन्म कब हुआ, अमेरिका का जन्म कब हुआ, ब्रिटिश का जन्म कब हुआ, जिसका जन्म होता है मरना उसी का तय, लेकिन भारत अजन्मा है। भारत का जन्म कब हुआ बता दीजिए, यह पूरी धारा इस पूरे दुनिया में जन्म लेने वाला हर लोग व्यक्ति सनातनी है। आज इस पखंडी गठबंधन के लोग, नपाक लोग, बेईमान लोग, सनातन समाप्त करने की जो बात करता है उसका नस्तनाबूद हो जाने वाला है। सनातन समाप्त नहीं हो सकता, सनातन हर पैदा, मैं तो कहता हूं कि इस धारा पर, इस भूमि पर हर पैदा लेने वाला व्यक्ति सनातनी पैदा होता है। जन्म लेने के बाद, चाहे हम विभिन्न पंथों को मानते हैं, हम विभिन्न संप्रदायों में बंटते हैं, करते हैं, लेकिन पैदा हर व्यक्ति सनातनी पैदा ही होता है, ये भ्रम है उन्हें कि समाप्त कर दें। और जिस तरीके से भारत, भारत आज क्या है, हमारा भारत वेदों में पुराणों में भारत का ही संस्कृति है। इंडिया शब्द कब आया, जब इंडस लोग भारत में आया, इंडस से इंडिया बनाने का काम किया, तो क्या हम आज भी गुलामी मानसिकता में रहना चाहते हैं? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा भारत खुद से एक बार भारत दुनिया का नेतृत्व करे? इससे इतराज किस बात की है? इसलिए आज भी कल भी हमारा भारत था, आज भी भारत है और आगे भी भारत रहेगा। ये लोग, जो लोग आज सनातन और भारत पर कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, समाप्त करने की बात कर रहे हैं, ये नहीं इनके पुश दर पुश समाप्त हो जाएगा, सनातन समाप्त नहीं हो सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा सनातन रहेगा, तब तक हमारी माँ भारती रहेगी। पूर्व विधायक राजेश्वर राज जी ने कहा कि पूरे भारत में 2019 से ज्यादा सीटें आएंगी 2024 में, और साथ साथ उन्होंने सनातन धर्म के बारे में विशेष रूप से सारी बातें कहा। मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।